इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चेवड़ला हलके लोकसभा के उम्मीदवार ने शाहीन नगर, उस्मान नगर और दीगर महलेजात का दौरा करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वोट देने आवाम से अपील की। आवाम की जानिब से ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उम्मीदवार के हमरा और दूसरे लोग मौजूद थे। जमात से जो है हल्के चेवड़ला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्लियामेंट्री के लिए मैं यहाँ पर उम्मीदवार की तरह खड़ा हूँ। आज शाहीन नगर का हाल यहाँ का देखने में मिला। वाकई यहाँ पर शाहीन नगर, उस्मान नगर, वाकई यहाँ पर बल्कि पूरे हल्के चेवड़ला में मैं जहाँ जहाँ भी दौरा किया, इसका सामना यही हुआ कि वहाँ पर नौजवानों को बेरोजगारी और बूढ़े बड़ों को इन लोगों की जो मजबूरी, बीमारी जो भी है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है आज। और यहाँ के सड़कें, ड्रेनेज, करंट, पीने का पानी, हर चीज़ से यहाँ की आवाम तकलीफ़ में है। इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ की आवाम से वादा करता हूँ कि आप जो है हमारे हाथ मजबूत कीजिए। सबसे पहली बात, हमारे MIM जो है ये हल्के चेवड़ला से नहीं खड़ने की वजह से हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आपके सामने लेकर आए, ताकि कहीं से भी हो हमारी कौम का फ़ायदा हो। और आज हालात देख रहे हैं आप कि मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल के लिए रह गए हैं, इस्तेमाल कर दिए और छोड़ दिए। बाकी के जितने पार्टियां हैं कहीं पर भी हमारा वजूद नहीं है। आज हम ये साबित करके दिखाएंगे कि सारे मुसलमान एक होकर, बल्कि मैं ये सेकुलर की भी बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, इनको तोड़ने के जमान कुछ और है। आज BJP का यही प्लान है कि मुसलमान को लड़ा दो आपस में, इन लोगों को दूर कर दो, ताकि हम अपनी सीट कायम कर सके। उनका ख्वाब है नरेंद्र मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। दिल्ली में हुकूमत फिर सेकुलर रहेंगी और मुस्लिम लीग उसी की मदद करेंगी जो मुसलमानों के बारे में